संजीदा अदाकारी के लिए मशहूर पहले पर्दे के कलाकार मनोज वाजपेयी आजकल अपनी नई फिल्म भैया जी को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए ही रविवार को अभिनेता मनोज वाजपेयी मेरठ पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों के सवालों के बड़े तसल्ली से जवाब दिए और अपनी फिल्म के बारे में बताया। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने अपनी फिल्म भैया जी का प्रमोशन करते हुए बताया कि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि की एक्शन फिल्म है जो एक्शन पैक्ड होगी। अब हम थिएटर में उस तरह की फिल्में लेके आएंगे जो लोगों के बारे में है, लोगों के गांव के बारे में हो, लोगों की मिट्टी के बारे में हो, लोगों के छोटे शहर के बारे में हो, उनके रिश्ते के बारे में हो, उनके घर के बारे में हो, उनके भाई भाई के प्रेम के बारे में हो, माँ बेटे के स्नेह के बारे में हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम फिल्मों में हम ज्यादातर कई सालों से हम सिर्फ शहरों के किस्से या फिर बहुत सारे तड़क भड़क वाली फिल्में बन रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि और हमारे डायरेक्टर अपूर्व सिंह को भी लगा कि हम एक मेन स्ट्रीम फिल्म लेके आते हैं लोगों के मनोरंजन के लिए, लेकिन अब हम शहरों से अलग जाकर के छोटे शहर और गांव की बात करेंगे जो पहले के सिनेमा में हुआ करता। वही भविष्य में राजनीति में उतरने के सवाल पर मनोज वाजपेयी ने साफ कहा कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। राजनीतिक सवालों के मुद्दे को फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी टालते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोएडा में फिल्म सिटी बनाए जाने की घोषणा के मुद्दे पर कहा कि इस फिल्म सिटी के जरिए यूपी के उभरते हुए कलाकारों को इससे भरपूर लाभ मिलेगा। नेपोटिज्म पर मनोज ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में मेहनत करने वालों को कामयाबी मिलती है। तो एक बार भैया जी सौवीं फिल्म है तो अपने आप में ये साबित करता है कि अगर आप मेहनती हैं और आप जुझारू हैं तो आप अपनी जगह कहीं भी बना सकते हैं। और मेरी तो आदत रही है कि मैं तब तक दरवाजे से टक्कर मारता हूं जब तक कि खुल ना जाए। तो वो मेरा स्वभाव रहा है अपने काम से, अपने हुनर से लगातार कोशिश करते रहना। तो भगवान की दया से 30 साल हो गए और मैं 100वीं फिल्म लेके आ रहा हूँ आपके सामने। मनोज जी इससे अभिनेता मनोज वाजपेयी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता था कि वो 10 फिल्म भी कर पाएंगे, लेकिन मेहनत और लगन के जरिए उन्हें कामयाबी मिली है। लेकिन जो लोग फिल्मी परिवार से नहीं आते उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत करने पर कामयाबी जरूर मिलती है। उन्होंने कहा कि फिल्मी फैमिली बैकग्राउंड वाले स्टार किड्स वही सफल हो पाते हैं जिनमें प्रतिभा होती है। हालांकि बॉलीवुड में बाहर से आने वालों के लिए भी चीज आसान करनी होगी। 5वीं क्लास से रश्मि रथी कई बार मैंने मंच पे पढ़ा और कई बार मुझे पुरस्कार भी मिले हैं और रश्मि रथी मेरे जीवन से बहुत जुड़ गया। तो जब भी मैं अपने कठिन समय में होता था तो रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां जो है अपने दिमाग में बोलता रहता था और खास करके अब याचना नहीं रण होगा। तो ये चीज मेरे याचना नहीं रण होगा मेरे जीवन में मेरे मनोस्थिति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। दरअसल मनोज वाजपेयी ने बॉलीवुड में अपने संघर्ष के दिनों का जिक्र करते हुए बताया कि आज 30 साल फिल्म इंडस्ट्री में हो गए हैं और भैया जी उनकी 100वीं फिल्म है जो 24 मई को देश भर के सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज हो रही है। फिल्म ग्रामीण परिवेश से जुड़ी है तो मनोज वाजपेयी ने दिल्ली से सटे वेस्ट यूपी को अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए चुना है। वेस्ट यूपी ग्रामीण परिवेश का इलाका है और आज भी यहाँ के लोगों का गांवों से जुड़ाव और लगाव है। इसीलिए ही मनोज वाजपेयी भैया जी के प्रमोशन के लिए मेरठ पहुंचे थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।